नमस्कार, मैं मनु साहू और आप देख रहे हैं thescoobeats.com। हर जगह इलेक्शन का माहौल है, सारी पार्टी जुट गई हैं इलेक्शन के लिए और सारी पार्टी अपने अपने तरीके से इलेक्शन में वोट पाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन वहीं अभी एक खबर जो सबसे ऊपर है वो है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं सोमू विराजू, विजयवाड़ा में मंगलवार को सोमू विराजू ने स्पीच में बोला कि अगर 1 करोड़ वोट बीजेपी को जाते हैं आंध्र प्रदेश से तो वो लिकर का मतलब दारू अल्कोहल के जो रेट हैं वो काफ़ी परसेंट गिरा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे इन दो बातों का, इलेक्शन और दारू या अल्कोहल का क्या रिलेशन है। कह सकते हैं कि एक तरीके की स्ट्रैटेजी है जो बीजेपी फॉलो कर रहा है, या कह सकते हैं कि इस तरीके से जो लोग हैं वो उनके हित में नजर आएंगे। प्रेसिडेंट ने अपने स्पीच में कहा कि अगर आंध्र प्रदेश में 1 करोड़ वोट बीजेपी को ही जाते हैं तो वो दारू के रेट गिरा देंगे और 70 रुपये में कर देंगे। अब आप सोचोगे 70 रुपये, ये तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। लेकिन इसी के बाद बात ख़त्म नहीं हुई थी कि उन्होंने बोला कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि कितना भी, 1 करोड़ से 2 करोड़, 3 करोड़ या उससे भी ज़्यादा वोट अगर सिर्फ उन्हीं के स्टेट से जाते हैं तो वो दारू के प्राइस 50 रुपये कर देंगे। 50 रुपये में आज के टाइम पे क्या आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से वोट को अपने तरफ खींचना है। पूरा सारी पार्टियां जुटी हुई हैं किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाए और अपने लिए इस्तेमाल की जाए जिससे उनको भर भर कर वोट आए, क्योंकि इलेक्शन है सर पर और सब इस तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने इंडियन मेड फॉरेन लिकर से भी बात की है, जिसके बाद 15 से 20% तक की जो अल्कोहल की रेट्स है उसको गिराई जाएगी। जो सस्ते और चीप अल्कोहल है उनको हायर रेट में बेचा जाएगा। लेकिन वहीं इस समय आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए एक राहत ज़रूर है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत भी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पर कमेंट किया है, अपने रिव्यूज़ दिए हैं कि वो काफ़ी खुश है इस डिसीजन से, चाहे वो पार्टी के लिए हो या पार्टी के लिए नहीं हो। लेकिन दोनों ही केस में इस समय आंध्र प्रदेश की जो जनता है और सरकार का जो निर्णय है उनके लिए वो काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। इनडायरेक्ट वे में वहाँ के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने ये बात कही है कि काफ़ी ऐसे लीडर्स हैं जो बेल पर हैं। अब आप समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि काफ़ी लीडर्स जो बीजेपी के हैं वो अभी बेल पर हैं, वो जल्दी ही जेल के अंदर दिखाई देंगे। इसका क्या मतलब है आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इस तरीके की लालच या स्ट्रैटेजी ना अपनाई जाए इलेक्शन के दौरान। लेकिन सारी पार्टियों को हक है कि वो किस तरीके से वोट बटोरे, तो इसमें आंध्र प्रदेश जो भी निर्णय ले रहा है वो शायद सही है या नहीं वो तो आप बताएंगे। और मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, जो आंध्र प्रदेश में स्ट्रैटेजी, जो तरीका अपनाया जा रहा है वोट का, क्या वो सही है? क्या 15 से 20% अल्कोहल के रेट गिराकर वोट लेना, क्योंकि टारगेट सेट किया जा रहा है कि 1 करोड़ के ऊपर गए तो इतना परसेंट या इतने रुपए, और अगर 2 करोड़ से ऊपर गया तो इतने रुपए। वहाँ के चीफ मिनिस्टर की खुद स्टेटमेंट है कि इस तरीके से अगर रहा तो जितने भी लीडर्स हैं वो जेल के अंदर दिखाई देंगे। तो इस पर अपने व्यूज़ देना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं मनु साहू, thescoobeats.com।